नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। अंगड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। इससे पहले 3 सांसदों का कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री थे। सुरेश अंगड़ी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये जनसेवा के क्षेत्र की, विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासदहानी है। मेरी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार, सहकर्मियों और असंख्य सहयोगियों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे जिनकी सभी जगह प्रशंसा होती थी। उनके निधन का दुख है। इस दुख की घड़ी में मेरी भावना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। पीएम के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सुरेश अंगड़ी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा दुख हुआ। वो मेरे भाई जैसे थे। आम लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण का वर्णन के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। इस दुखद क्षण में मेरी भावना और प्रार्थना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। आपको बता दें, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब 2 सप्ताह के बाद निधन हुआ। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सन 1955 में जन्मे सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम जिले के बीजेपी नेता थे। वो अपने लंबे राजनीतिक करियर में पार्टी के कई पदों पर रहे। सन 1996 में बेलगाम में बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। सन 2004 में लोकसभा चुनाव और फिर 2009 में सांसद चुने गए। सन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वो तीसरी बार और फिर पिछले साल हुए आम चुनाव में 4थी बार सांसद चुने गए। इसके बाद उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बनाया गया। सुरेश अंगड़ी लॉ ग्रेजुएट थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।